आईजी सिंध रिफत मुख्तार की तैनाती के बाद पुलिस अफसरान में खुशी की लहर दौड़ गई। आईजी सिंध का ओहदा संभालने के बाद रिफत मुख्तार सेंट्रल पुलिस कराची पहुंचे और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। दूसरी जानब पुलिस महकमे में धड़ेबंदी के कयास आरइयों को एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढ़ू ने मुस्तरद कर दिया। बोल से बातचीत में उनका कहना था कि अगर कोई सीनियर अफसर आता तो बेहतर था, लेकिन ये भी 21 ग्रेड के अफसर हैं। पुलिस एक डिसिप्लिन फोर्स है, महकमे में कोई इख्तलाफ नहीं, नए आईजी के साथ सब काम करने को तैयार। हमारे यहाँ रैंक तो सेम है, लेकिन उसमें जो इंटर से सीनियरिटी या ऊपर नीचे सीनियरिटी होती है उसका एक ड्यू डेकोरम होता है। जो भी अफसरान होते हैं उसका ख्याल रखते हैं और एक दूसरे को उसी तरह इज्जत देते हैं। तो बाकी पोस्टिंग जो है वो प्रिविलेज नहीं है, वो स्टेट और गवर्नमेंट का काम है, वो लगाती है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। धड़ाबंदी इस तरह की सियासत ये न हमारी यूनिफॉर्म फोर्स का शेवा है और न ही इसका हिस्सा है। ये बाहर की खबरें हैं जो बाहर ही रहती हैं। वी वर्क अंडर सर्टन रूल्स और इसमें ऐसी नहीं है। वी आर ऑल यूनाइटेड, वी आर वन और वी वर्क अंडर द कमांड जो भी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारपन, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपना मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। 76वें में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान, ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।